देखिए फ्रेंड्स, आज हमने विंटर स्पेशल मिक्स वेज पुलाव बनाया है, क्योंकि सर्दियों में अभी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही है, तो मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियों को यूज करके मिक्स वेज पुलाव बनाया है, जिससे कि ये पुलाव खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी हो गया है। मैंने इसे साथ में बूंदी का रायता, अनियन सैलेड और कुकुम्बर के साथ सर्व किया है। ये देखिए, एक तो इस पुलाव की दो बातें, फटाफट बनकर तैयार भी हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो चलिए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम मिक्स वेज पुलाव बनाएंगे। तो मिक्स वेज पुलाव बनाने के लिए मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी, मैंने वो सब सब्जियां ले ली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पत्ता गोभी, हरा प्याज, स्वीट कॉर्न, गाजर, फूल गोभी, शिमला मिर्च, अनियन, मटर, पनीर, टमाटर, आलू, गिलकी, लौकी, जो भी सब्जियां थी मैंने सब ले ली है। आपके पास जो जो सब्जियां हो वो सब आप ले सकते हैं, और कुछ सब्जियां आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और साथ ही में 1/2 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। जैसे ही ऑयल और बटर अच्छा गर्म हो जाता है, तो हम हमारे इसमें मसाले ऐड करेंगे। ऑयल और बटर हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें जीरा, राई और करी लीव्स लिए, इन्हें डाल देती हूँ। और साथ ही में मैंने ये 2 तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च लिए, इन्हें भी हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा तड़प जाने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मसाले अच्छे से तड़क रहे, तो इसमें मैं ऑनियन ऐड कर दूंगी, साथ ही में हरी मिर्च भी ऐड कर दूंगी। इन दोनों को हम अच्छा थोड़ा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी सब्जियां हैं उन्हें ऐड करेंगे हम। इसको प्याज को अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। अब प्याज पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो हमने जो सब्जियां कट करके रखी है उसे ऐड कर देते हैं। टमाटो और सारी सब्जियों को मैं एक साथ ही ऐड कर देती हूँ। मटर, पनीर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, गाजर, शिमला मिर्च, सारी सब्जियां, इसमें लौकी और गिलकी भी लिए फ्रेंड्स मैंने, इन सबको हम ऐड कर देते हैं। अब सारी सब्जियों को हम मिक्स कर देते हैं, इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। मिक्स वेज पुलाव सर्दियों में खाने का मजा बहुत ही अलग होता है, और बहुत सारी सब्जियों को हम अच्छे से चला देते हैं, मिक्स हो जाएगी और हल्की सी सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती है जब तक मैंने 1 गिलास चावल लिया है। चावल को मैं वॉश करके रख लेती हूँ। हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, रेड चिली आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिए, मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली ऐड की है, और साथ ही में थोड़ा सा सॉल्ट अभी ऐड कर देंगे हम, और थोड़ा सॉल्ट चावल ऐड करने के बाद करेंगे। इन्हें हम मिक्स कर देते हैं। इनमें एक अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें पास्ता मसाला का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला, किचन किंग मसाला, कोई सा भी मसाले को यूज कर सकते हैं। मैंने 1/2 पास्ता मसाला अभी ऐड किया है, और 1/2 पास्ता मसाला जब मैं प्रेशर कुकर कवर करूंगी उस टाइम पे ऐड करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैंने चावल धो के लिए है इसे ऐड कर देते हैं। चावल को भी हम हल्का सा इनके साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि ये भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें, ध्यान रहे चावल टूटे नहीं। चावल को आप पहले से भिगोकर भी मत रखिए, तुरंत धो लेना है और तुरंत ही बना लेना है। बहुत अच्छा खिला खिला पुलाव हमारा बनकर तैयार होगा। सारी सब्जियां मिक्स होने के बाद हमने चावल को भी इसी में मिक्स कर दिया है। 1 गिलास चावल था हमारे पास, तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। और अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं, तो 1 गिलास चावल के लिए आप 2 गिलास पानी का यूज करिए। मैं 1.5 गिलास पानी इसमें यूज कर लेती हूँ। ये 1 गिलास, और साथ ही मैं 1/2 गिलास पानी में और ऐड करूंगी। देखिए, अब हम हमारे टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रहे हमने थोड़ा सा नमक पहले सब्जियों को फ्राई करते टाइम भी ऐड किया है,
तो आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिए। साथ ही में इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और ये थोड़ा सा बटर डाल देगी इसमें। अच्छा खिला खिला हमारा चावल बनकर तैयार होगा। और साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्रेशर कुकर को कवर कर देंगे। जो पास्ता मसाला मैंने उस टाइम बचाया था थोड़ा, उसे भी हम इस टाइम पे ऐड कर देते हैं। पास्ते मसाले से पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। अब मैं प्रेशर कुकर को कवर कर देती हूँ और एक सीटी आने तक हम इसे कुक होने देते हैं। ज्यादा सीटी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा चावल खिला खिला बनकर तैयार नहीं होगा। अब हम इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे, उसके बाद हम चावल को सर्व करेंगे। अब पुलाव का प्रेशर रिलीज हो गया है तो हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए सुपर, कितना ही अच्छा हमारा पुलाव दिख रहा है, एकदम खिला खिला पुलाव बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कितना खिला खिला पुलाव हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसमें एक भी दाना चिपका हुआ नहीं है और हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है, जिसकी वजह से ये पुलाव बहुत हेल्दी भी हो गया है। स्पेशली विंटर में तो ये पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, मैं आपके सामने इसे निकाल के बता रही हूँ, बहुत ही यूनिक हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। देखिए, अब मैंने पुलाव को सर्व कर लिया है। मैंने साथ में बूंदी का रायता, ऑनियन सैलेड, खीरा सैलेड लिया है। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। स्पेशली विंटर में इसे खाने का मजा 2 गुना हो जाता है, क्योंकि एक तो ये फटाफट बन जाता है, दूसरा है इसमें बर्तन कम होते हैं। ये दोनों के साथ साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इसे हम अगर गर्मा गर्म सर्व करते हैं तो देखिए, आप भी इसे बनाकर एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।